हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं चाय मसाला पाउडर। मैं ये सब आपको दिखा रही हूँ। मैं क्या क्या लिया है, मैंने यहाँ लिया है लवंग 2 ग्राम, ग्रीन इलायची 10 ग्राम, उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक पेपर 5 ग्राम, दालचीनी मैंने लिया है 5 ग्राम, मैंने लिया है ब्लैक इलायची 3 ग्राम, उसके बाद है ये सौंफ, ग्रीन सौंफ है ये 8 ग्राम, ये है आधा जायफल, और मैंने यहाँ पे लिया है सूंठ पाउडर, सूंठ पाउडर मैंने लिया है 14 ग्राम। हर चीज़ मैंने विंग स्केल के वजन करके ली है। अब सारी चीज़ों को हमें भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। सूंठ पाउडर पहले नहीं डालेंगे, सबसे पहले ये सब गरम मसाले हैं वो सब डाल देंगे। सब गरम मसाले मैंने डाल दिया है और सूंठ पाउडर अभी नहीं डालना है, उसको 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। तीन मिनट मैंने अच्छे से इसको स्लो गैस पर भून लिया है, गैस बंद कर दिया है। अब इसमें डालना है सूंठ पाउडर और इसको भी ये गरम पैन में ही उसको ऐसे चला देंगे, जिससे उसका जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ठंडा होने देंगे। ये प्लेट में मैंने निकाल दिया है। अब जो ब्लैक इलायची है ना, उसके सिर्फ दाने चाहिए हमको, बाहर का छिलका नहीं चाहिए, वो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए छिलका निकाल दिया है, इसको यूज़ नहीं करना है, उसके अंदर के जो दाने हैं वही यूज़ करना है। अब जो अखे गरम मसाले हैं, जैसे दालचीनी है और ये जायफल है, उसको कूट लेंगे थोड़ा। ये देखिए इसको मैंने कूट लिया है, इसलिए कूटा है जिससे हमारे मिक्सर जो इसमें भार ना पड़े, इसके लिए मैंने कूटा है। इसको अब मैं ग्राइंड कर देती हूँ पाउडर। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर दिया है तो बनकर रेडी है हमारा खुशबूदार चाय मसाला पाउडर। उसी चाय मसाला पाउडर से मैं चाय बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टी कप पानी और 2 चम्मच चाय पत्ती डाली है और उसको उबाल रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ शक्कर, आपको जितना मीठा खाना है उस हिसाब से आप शक्कर डालिए। मैंने 1 चम्मच डाली है यहाँ पर, उसको बॉईल होने दो। चाय पत्ती अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके बाद मैं मिल्क डाल रही हूँ। मैं चाय में दूध ज़्यादा डालती हूँ, पानी कम डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए। इसको बॉईल होने दो। चाय उबल चुकी है, उसको अच्छे से ऐसे उबालो ऊपर नीचे करके। चाय अच्छे से उबल जाए तो लास्ट में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून चाय मसाला पाउडर और उसको बस एक ही बॉईल देना है, अब ज़्यादा नहीं उबालना है, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चख लेना आप थोड़ा, ज़रूरत लगे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो रेडी है ये मसालेदार चाय, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये है चाय मसाला पाउडर। इससे ये चाय मसाला से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है और ये बारिश के सीजन में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोग भी ये चाय बनाइए, मसालेदार चाय, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसी बनी।